राजधानी लखनऊ के वनस्पति उद्यान में CSIR के NBRI द्वारा 2 दिवसीय पुष्प कृषि मेला और बोगनविलिया उत्सव आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मेले का आयोजन CSIR के पुष्प कृषि मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 6 राज्यों के किसान समूहों के 300 किसान तथा कृषि और बागवानी उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य संस्थान के पास उपलब्ध पुष्प कृषि तकनीकी और विकास के साथ नई किस्मों की जानकारी को किसानों तक आसानी से पहुंचाना है, ताकि पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सके। फ्लोरिकल्चर से हम लोग एक तरफ जहाँ तरह तरह के मेडिसिनल उसके वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न समारोह में भी फ्लोरिकल्चर का बहुत यूज़ होता है, घरों में भी इसकी बहुत उपयोगिता है, तो उसी को प्रेरित करने के लिए, किसानों को उससे जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम है, जिसमें किसान भाई बहन जो है अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से वापस जाके जो यहाँ पर उन्होंने स्किल ली है उसका लाभ लेके वो अपनी आय, अपने परिवार की आय बढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश के किसान और भारत के किसान सब मिलके आपस में एक मार्केट क्रिएट करें, जिस मार्केट में ये जो पुष्प का खेती है उससे जो प्रोडक्ट आएगा वो जाए और उनका आमदनी बढ़े। ये हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी का इंस्पिरेशन से उनका आय को दोगुना करने के लिए जो हम पहल कर रहे हैं, इसी पहल में एक किस्सा है, एक हम उसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं।